हेलो एवरीवन, दिस इज़ अविनाश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग माय गार्डनिंग यूट्यूब चैनल वाव गार्डनिंग। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि अगर आपने अपने गार्डन पर एक्सोरा प्लांट को लगाया हुआ है तो उसमें फ्लोरिंग कैसे पा सकते हैं, फ्लोरिंग को मैक्सिमाइज़ कैसे कर सकते हैं। जनरली आप जानते हैं, जब भी मैं आपको केयर वीडियो बताता हूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट में फ्लोरिंग के लिए अच्छी फर्टिलाइजेशन। पर कई बार कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें फर्टिलाइज़र के अलावा भी कुछ ऐसे गार्डनिंग हैक हैं। अगर आप उसका यूज़ करते हैं मेरे गार्डन के टिप्स के द्वारा, अगर जब मैं बताता हूँ, अगर आप उसको अपने प्लांट में भी सेम ही अप्लाई करते हैं, वर्क करते हैं, तो आपके भी जो प्लांट में है विजिबल ग्रोथ और रिज़ल्ट देखने के लिए मिलती है। आप भी कमेंट में शेयर करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप जब इतने एक्सपेंसिव प्लांट लेके आते हैं कुछ समय बाद उनकी जो ग्रोथ अच्छी नहीं होती या रुक जाती है, तो सबसे मेन कारण दोस्तों उसमें कुछ बेसिक केयर्स की ज़रूरत होती है जो हम नहीं दे पाते। तो आज आप जानेंगे कि एक्सोरा प्लांट में कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स का इस्तेमाल करके अपनी फ्लोरिंग को कैसे बूस्टअप किया जा सकता है, या आप कहो कि उसे मैक्सिमाइज़ किया जा सकता है। जनरली आप देखेंगे कि जो एक्सोरा के प्लांट हैं वो काफ़ी हैवी ब्लूमर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा बंचेस में फ्लोरिंग करते हैं। इस कारण से क्या होता है कि इनकी जो रिक्वायरमेंट रहती है फर्टिलाइजेशन की, वो काफ़ी बढ़ जाती है। मैंने आपके साथ कई बार फर्टिलाइज़र्स का शेयर किया है, साथ ही में अगर इसमें किसी भी चीज़ की कमी होती है फर्टिलाइज़र की, तो सबसे पहले जो इसकी वेन्स रहती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये नज़र आने लग जाती हैं। यानी कि सिंपल से इसका जो एक दिखाने का तरीका है या शो करता है प्लांट कि मुझे कोई ना कोई चीज़ की डेफिशिएंसी हो रही है। तो उस सिचुएशन में भी मैंने आपको बताया है कि आपको इस सिचुएशन से कैसे टैकल करना है, प्लांट को कैसे बचाना है। जनरली जो फ्लोरिंग प्लांट्स रहते हैं उसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है सॉइल की अल्कलाइन हो जाने की। यानी कि जब आपकी जो सॉइल है वो एसिडिक से अल्कलाइन होने लगती है, तो धीरे धीरे प्लांट्स में आपके प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, ना फ्लोरिंग अच्छी आती है और ना ही प्लांट आपका अच्छे तरीके से ग्रो करता है। तो अगर वैसी सिचुएशन आ जाती है तो आप सबसे पहले अपने प्लांट के सॉइल को, पीएच को चेक कीजिए, उसको एसिडिक बनाइए। एसिडिक कैसे बनाना है इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप वो जाके ज़रूर सर्च कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगी, आप वो जाके देख लीजिएगा। फ़िलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो है आपको कैसे काम करना है फ्लोरिंग को बूस्टअप करने के लिए विदाउट फर्टिलाइजेशन। मतलब आपको फर्टिलाइजेशन अप्लाई तो करना है, पर जब आप फर्टिलाइज़र अप्लाई कर देते हो उसके बाद भी कई बार फ्लोरिंग नहीं आती, उसके क्या रीज़न रहते हैं? देखिए, उसका सबसे मेन रीज़न रहता है दोस्तों डेड हेडिंग या पिंचिंग। तो डेड हेडिंग करने के लिए देखिए, जैसे अब ये प्लांट रहते हैं, कई बार क्या होता है कि एक्सोरा के प्लांट्स को मैं बिल्कुल भी निकालता नहीं हूँ जब तक वो अच्छी तरीके से ब्लूमिंग या फ्लोरिंग नहीं कर लेते हैं। उसके बाद भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इसका जो फ्लोर अच्छी तरीके से निकल के स्पेंट होके पूरा गिर चुका है, फिर भी मैं इसकी जो डेड हेडिंग नहीं किया। बट अभी मैं आपके साथ जो वीडियो इसीलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि मैं आपको भी समझा सकूँ कि अगर ऐसी आपके में भी प्लांट में आता है और आप फ्लोरिंग उसका नहीं हटाते हैं जब वो ब्लूम करता है, तो उसके बाद क्या केयर करनी पड़ जाती है। तो इसकी जो डेड हेडिंग है दोस्तों, ये करना बहुत ज़रूरी होता है। अब मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए कि यहाँ पर इसका जो ये फ्लोरिंग बड्स बना था, अगर आप इसकी यहाँ से डेड हेडिंग कर देते हैं या इसे रिमूव कर देते हैं, तो आप जो है देखेंगे कि यहाँ से इसकी दो न्यू शूट्स निकल के आएंगी, और जब दो न्यू शूट्स निकल के आएंगी तो ऑब्वियस ही बात है कि उसमें नई जो है फ्लोरिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। तो सेम आपको जो है अपने सारे प्लांट्स में, आप अगर करना चाहते हैं एक्सोरा के जिस भी कलर का प्लांट है आपके पास, तो उसमें आप कर सकते हैं। देखिए, या तो फिर आप ऐसे गार्डन टूल का यूज़ कर लीजिए जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ। देखिएगा, यहाँ पर ये मैंने एक बार इसे शार्प कट दिया है और देखिए ये इवनली कट कर गया है इधर से। देखिए, अब ये अच्छे से दो न्यू शूट्स निकालेगा, फिर इसकी अच्छी ग्रोथ होगी। तो ये ऐसा करने से क्या होता है, छोटे छोटे जो हैक्स होते हैं दोस्तों, इससे जो हमारी फ्लोरिंग है ये काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर हम इसे स्पेस दे देते हैं थोड़ा सा प्लांट को, तो ये अच्छी तरीके से ग्रोथ भी करने लगता है। वैसे तो फर्टिलाइज़र जो है अपना काम करते ही हैं, पर कुछ ऐसी टिप्स, जैसे मैं आपको बताया ना, कुछ ऐसी टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, जो प्लांट में अगर अप्लाई आप कर देते हैं तो और अच्छा आपको देखने के लिए रिजल्ट मिलता है। तो बस यही कुछ ऐसी एक आध टिप्स होती हैं, जैसे कि डेड हेडिंग वगैरह हो गई, पिंचिंग हो गई, मैंने आपको बताया। तो ये आप अपने प्लांट में करते रहा करिए, तो आपको खास करके एक्सोरा के प्लांट में बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो आपने देखा कि मैंने आपको अपने फिंगर की हेल्प से और गार्डन टूल की हेल्प से, प्रूनर से कैसे करके दिखाया है, आप दोनों में से कैसे भी कर सकते हैं या सीज़र का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने नीचे से जो इसकी
कट लगाई थी। देखिए इसके बाद यहाँ से इसमें नई जो फ्लोरिंग बर्ड्स आ रही हैं और लीव भी काफ़ी अच्छी इसमें निकल के आ रही है। और देखिए मैं आपको मैं दिखा देता हूँ एग्जांपल के तौर पे कि आप ये जो एक्जोरा का प्लांट देख रहे हैं ना, तो देखिए इसमें जो है फ्लोरिंग अभी बीच में बहुत ही ख़राब कंडीशन में जा चुका था प्लांट। अभी देखिए जो इसका कलर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा एकदम डल ग्रीन हो गया है, यानी कि ये प्रॉब्लम में कुछ चला गया था क्योंकि इसकी जो सॉइल मिक्सचर है दोस्तों वो काफ़ी अच्छी थी, फिर भी उसके बाद इसकी जो रूट्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। बीच में रेनी सीजन चल रहा है, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम आती ही है प्लांट में ओवर वाटरिंग के कारण या कोई और प्रॉब्लम के कारण, तो इसमें जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट की भी कमी हो गई। पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मैंने अप्लाई किया उसके बाद भी जो रिकवर नहीं हो पा रहा था क्योंकि जो इसकी सॉइल लेवल है वही मैं चेक करना भूल गया, वो एसिडिक से अल्कलाइन हो गई। तो सबसे पहले मैंने इसकी जो है सॉइल को एसिडिक बनाया, देन उसके बाद फिर से अप्लाई किया फर्टिलाइज़र। तो देखिए आप जो नई ग्रोथ आ रही है नई लीव्स की, पुरानी तो अब नहीं होंगी, जैसी थी एज इट इज़ वैसे ही रहेंगी, पर जो न्यू ग्रोथ आ रही है उसमें अब जो है इसमें ग्रीनरी भी आएगी और देखिए फ्लोरिंग भी अब धीरे धीरे करके यहाँ पर स्टार्ट होने लग गई है। ये देखिए तो अब ये कुछ ऐसे अच्छे तरीके से ग्रोथ करने लग जाएगा। तो चलिए ये तो बात हो गई इसकी जो बेसिक केयर्स होती हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की, उससे फ्लोरिंग कैसे बढ़ाते हैं, बट मैं आपको इसमें इसी वीडियो में कवर कर देता हूँ कि इसकी फर्टिलाइजेशन कैसे करनी है वो भी आप जान लीजिए। तो देखिए इसमें फर्टिलाइज़र जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी इसमें हैवी फ्लोरिंग होती है, काफ़ी हैवी फीडर है, इस कारण से इसमें जो है अपन को हर 15 दिन में या मैं कहूँगा कि हर 20 दिन में भी आप अगर इसमें फर्टिलाइजेशन करते हैं तो इसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे एसेंशियल नीड जो होती है प्लांट की वो होती है NPK की। तो अगर आपको 90-90-19 या 20-20-20 किसी भी रेशियो का NPK मिल जाता है, पानी में आपको उसको डिज़ोल्व करना है और अपने प्लांट्स में देना है, तो उससे आपकी जो फ्लोरिंग भी अच्छी आएगी, कलर अच्छा आएगा, उसमें नई लीव्स बनेंगी, रूट्स भी काफ़ी मजबूत होंगे। तो मल्टीपल चीज़ों में दोस्तों वो काम करता है। साथ ही साथ आप जो है इसमें थोड़ा सा अगर फ्लोरिंग कम आ रही है तो आप बनाना पील फर्टिलाइज़र का यूज़ कर लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया है कैसे घर में बना सकते हैं ऑर्गेनिकली, या तो फिर आप पोटाश का यूज़ कर सकते हैं, DAP डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि आपके फ्लोर में जो कई बार गिर जाते हैं उसको भी वहाँ पर रोक के रखेगी, साथ ही साथ जो उसका फ्लोर का कलर है और जो उसका साइज़ है वो काफ़ी बढ़ के आएगा, और फ्लोर जो है पूरी तरीके से कई बार खिल नहीं पाता है, कलियां गिर जाती हैं, तो वो प्रॉब्लम भी नहीं होगी DAP अप्लाई करने से। तो ये आप अप्लाई कीजिएगा, कई बार माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, पता नहीं चलता है कि क्या प्रॉब्लम है, किस चीज़ की कमी है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट आप अप्लाई कर दिया करिए। आपको जो अगर लिक्विड मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको ग्रैनुलर फॉर्म में मिल जाता है, आप दोनों में से किसी का यूज़ कर लीजिएगा। वो भी मतलब आप बीच बीच में अपने सारे प्लांट्स को बदल बदल के जो है फर्टिलाइज़र देते रहेंगे तो उसमें जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट है जिस भी चीज़ की वो फुलफ़िल होती रहेगी। तो बस यही कुछ जो है टिप्स एंड ट्रिक्स और बेसिक केयर होती है जिससे आप अपने एक्जोरा प्लांट में फ्लोरिंग को बढ़ा सकते हैं। देखिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे यहाँ पे अभी आज ही निकला हुआ है बड़े साइज़ का ये हिबिस्कस, तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो बेसिकली कुछ प्लांट में है जो प्रॉब्लम हो जाती है, आई होप जो मैंने आपको बताया एक्जोरा की ये प्लांट केयर आपको समझ में आई होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पर किसी एक नए टॉपिक के साथ, नए प्लांट केयर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।